नमस्कार। आज हम पीठासीन पदाधिकारी के कर्तव्य और दायित्वों की चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे पीठासीन पदाधिकारी को जो प्रपत्र भरने हैं उस पर आज हम फोकस करेंगे। आपको खुला लिफाफा सबसे पहले भरना है और खुला लिफाफा में आप ध्यान दीजिएगा, पीठासीन पदाधिकारी की डायरी ये दो प्रति में भरे जाएंगे, पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा पत्र ये जो है ये आपको दो प्रति में रहेगा, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा कि ये चार ईवीएम एवं मतपेटिका के लिए अलग अलग भरे जाएंगे ये, ठीक है। और पेपर सील लेखा ये भी दो प्रति में होगा आपका। उसके बाद पेपर सील लेखा जब दो प्रति में आप भरेंगे, इसको एक बार फिर से आप सुन लें, पीठासीन पदाधिकारी की डायरी दो प्रति में, पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा दो प्रति में, लेकिन चार ईवीएम एक मत पेटिका के लिए अलग अलग ये भरे जाएंगे, यानी टोटल आप समझ लीजिए ये चार ईवीएम और एक मत पेटिका यानी पांच हो गया, तो पांच दूनी दस प्रति में ये भरे जाएंगे। रिकॉर्ड किए गए मत लेखा 17 दो प्रति में भरेंगे, लेकिन सभी पदों के लिए अलग अलग भरे जाएंगे, यानी फिर आप समझ लीजिए जितना पोस्ट है उसके लिए दो दो प्रति आपको बना के रखना होगा। पेपर सील लेखा आपको बनाना है, पेपर सील लेखा चार ईवीएम के लिए और एक मत पेटिका के लिए, ये सब अलग अलग बनेंगे और सभी दो प्रति में बनेंगे। वोटर टर्नआउट सिर्फ दो प्रति में बनाना है आपको, विजिटर सीट दो प्रति में, चलान की प्रति दो प्रति में। ये जो है ये खुला लिफाफा है। खुला लिफाफा कहने का मतलब है कि आपका जो जमा होगा, आपका जो ईवीएम मशीन का जो जमा होगा वो इसी पे जमा होगा, यानी आपको खुला लिफाफा बिल्कुल सही से तैयार रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टेशनरी पैकेट पर हम बात करेंगे। स्टेशनरी पैकेट में आप डालिएगा निर्माचक नामावली की चिन्हित प्रति, उसके बाद मतदाता रजिस्टर, उसके बाद आपका अप्रयुक्त मतपत्र, रद्द किए गए मतपत्र, निविदित मतपत्र का लिफाफा एवं सूची, व्यवहित मतपत्रों का प्रतिपण जो P1 के पास है, और अभ्याक्षेपित मतों की सूची, यानी आठ जो चीज है वो इसके अंदर जाएंगे। इस पैकेट में डाले जाने वाले सभी लिफाफ अलग अलग सीलबंद होगा, जिसे बड़े हरा लिफाफ में पुनः डालकर सील किया जाएगा, यानी सब छोटे छोटे लिफाफ सील हो जाएंगे और फिर आपको एक बड़े पैकेट में डाल के सील करना होगा। चलिए अब हम प्रपत्र नॉन स्ट्रेचिंग पैकेट की बात करते हैं। नॉन स्ट्रेचिंग पैकेट में टोटल 10 चीज रहेंगी, और वो रहेगा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रति जो P1 के अलावा जो प्रति आपको मिलेगी, प्रपत्र 11 मतदाता अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र, प्रपत्र 15A दृष्टिहीन एवं शिथिलांग दिव्यांग निर्वाचकों की सूची एवं उसके साथी की घोषणा, आयु संबंधी घोषणा की सूची, अभ्याक्षेपित मतों के संदर्भ में प्राप्त हुई राशि एवं रसीद बुक का लिफाफा, नंबर 6 अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रेप्सल्स मॉक पोल सर्टिफिकेट, ये 10 आइटम जो है वो नॉन स्ट्रेचिंग पैकेट में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरा पैकेट हम बनाएंगे, उसमें हम डालेंगे जो भी बचा हुआ मेरा आइटम है वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। ईवीएम की निर्देशिका, उसके बाद अमिट स्याही सेट, स्टाम्प पैड, पीठासीन पदाधिकारी का मेटल सील, एरो क्रॉस मार्क, अमिट स्याही का कप और अन्य सामग्री, जितना कुछ है वो सब हम इसके अंदर डाल देंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझने में आसानी रहेगी। आप ये चार पैकेट अगर अच्छे से बना लेंगे तो आपका मशीन जमा होने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। खास करके आप ध्यान रखिएगा, खुला लिफाफा अगर आप अच्छे से बना के रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ इसमें दो चीज़ को आपको नोट करना है, खुला लिफाफा में पीठासीन पदाधिकारी की जो घोषणा होगी वो ईवीएम के लिए अलग और मतपेटिका के लिए अलग होगा। उसके बाद पेपर सील लेखा जो आप बनाएंगे वो भी ईवीएम और मतपेटिका के लिए अलग अलग बनाएंगे, और रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा 17 जो बनेगा वो सभी पदों के लिए अलग अलग बनेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम अगले कड़ी में अभ्याक्षेपित मत टेंडर बोर्ड इस पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने